तो दोस्तों 2008 से लेकर 2019 तक टोनी स्टार्क यानी कि हमारा आयरन मैन हमेशा हम लोग को कुछ नए अवतार में दिखाए, चाहे बात हो उसके सूट की, चाहे बात हो उसके एआई की, चाहे बात हो उसके कोई और गैजेट की, टोनी स्टार्क हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है। वैसे तो टोनी स्टार्क की इन्वेंशन की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है और उसके पास 100 से भी ज्यादा इन्वेंशन है, लेकिन हम लोग बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इन्वेंशन जो टोनी स्टार्क ने किए हैं और टॉप 5 इन्वेंशन जो कि पूरी की पूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पे अच्छा खासा इम्पैक्ट डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की, जो की है टोनी स्टार्क का छोटा आर्क रिएक्टर। जैसा कि हमने आयरन मैन 1 मूवी में देखा था, टोनी स्टार्क की आर्मर की शुरुआत तब हुई जब उसने आर्क रिएक्टर को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, आर्क रिएक्टर पहले से स्टार्क इंडस्ट्रीज में मौजूद था, लेकिन वो काफी बड़े फॉर्म में था, लेकिन बाद में टोनी स्टार्क ने केव में कुछ लिमिटेड सामानों की मदद से आर्क रिएक्टर बनाया और अब ये आर्क रिएक्टर हर आयरन मैन सूट में हमें दिखाई देता है। नंबर 4 पे आता है बार्फ, बाइनरली ऑगमेंटेड रेट्रो फ्रेमिंग। अब ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, इसका अंदाजा आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में देख लिया होगा। असल में ये टेक्नोलॉजी मिस्टीरियो की थी और उसने होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से कितनी ज्यादा तबाही मचाई थी वो आप सबने देखा, और बाद में जाके स्पाइडरमैन का भी पर्दाफाश कर दिया। और वैसे इससे प्रूव होता है कि हो सकता है बार्फ की मदद से मिस्टीरियो अभी भी जिंदा हो और वो उसकी डेथ एक तरह की इल्यूजन हो, क्योंकि हम सबको आगे जाके कहीं ना कहीं सिनिस्टर से देखने को मिलेगी। और वैसे भी मिस्टीरियो अगर वापस आता है तो वो अपनी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी यानी कि बार्फ का यूज जरूर करेगा। तो बार्फ का यूज किस हद तक वो कर सकता है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, इसलिए ये भी टोनी स्टार्क का बहुत खतरनाक इन्वेंशन है। और जिस तरह का मिस्टीरियो का कैरेक्टर है उस हिसाब से लगता है कि बिना टोनी स्टार्क की मदद के वो बार्फ को बना ही नहीं सकता था, और बाद में जाकर टोनी के मरने के बाद वो लोगों को ऐसे बता रहे कि जैसे टोनी स्टार्क ने उसकी टेक्नोलॉजी चुरा। नंबर 3 पे आता है जार्विस, जस्ट रादर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। जार्विस हमें देखने को मिला था आयरन मैन 1 मूवी में, जो कि टोनी स्टार्क के सूट में इंस्टॉल था और टोनी स्टार्क को हमेशा गाइड करता रहता था और टोनी स्टार्क की परफॉर्मेंस भी चेक करता रहता था। इसके अलावा धीमे धीमे जैसे जैसे जार्विस आगे बढ़ता गया उसकी कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ती गई। अब जैसा कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर से बातें कर रहा था तो वो ये तक कह देता है कि जार्विस पूरा का पूरा बिजनेस संभालता है, यानी जार्विस के पास इतनी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ आ गई थी कि पूरा का पूरा बिजनेस अकेले दम पे संभाल ले रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर जार्विस अभी भी रहता तो और ज्यादा अपग्रेड हो चुका होता। नंबर 2 पे आता है आयरन मैन का मार्क 44 सूट। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं अचानक मार्क 44 सूट की बात क्यों कर रहा हूं, तो दोस्तों मार्क 44 का दूसरा नाम है वेरोनिका, जिसका दूसरा नाम है हल्क बस्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हल्क बस्टर की, जो कि हमें देखने को मिला था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। जब हल्क ने अपना आपा खो दिया था स्कारलेट विच की मदद से, तो टोनी स्टार्क ने वेरोनिका को बुलाया यानी मार्क 44 आर्मर को बुलाया। फिर मार्क 44 ने जो धुलाई की हल्क की सब लोग देखते रह गए, और बाद में जाके मार्क 44 ने ही हल्क को शांत कराया था। अब ये जो हम लोग एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में और एवेंजर्स एंड गेम की स्टार्टिंग में आर्मर देखे थे, ये भी हल्क बस्टर है, लेकिन ये इसका अपडेटेड वर्जन है। अब नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है टोनी स्टार्क का बनाया हुआ सबसे अच्छा हथियार, सबसे भयानक हथियार, जो कि है अल्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रॉन एक ऐसा टोनी स्टार्क का इन्वेंशन है जो कि बहुत ज्यादा तबाही मचाया था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, और यहाँ तक कि उसने विजन को बनाया था, ना कि टोनी स्टार्क ने। बहुत लोग कंफ्यूज थे कि मैंने विजन का नाम नहीं लिया, विजन अल्ट्रॉन की क्रिएशन है, अल्ट्रॉन ने विजन को बनाया है, और ये बात विजन ने खुद एक्सेप्ट की थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में, जिसमें ये सामने आता था कि विजन, जार्विस, अल्ट्रॉन, माइंडस्टोन सबका कॉम्बिनेशन होके बना, यानी वो अकेला कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम नहीं है, वो कई चीज की कॉम्बिनेशन है। और अल्ट्रॉन के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि जो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम लोग ने आयरन लीगन देखा था वो सबको भी बड़े आराम से कंट्रोल कर ले रहा था, यानी अल्ट्रॉन खुद तो बन गया और अपनी तरह दूसरों को भी बना सकता था, और इसीलिए अल्ट्रॉन टोनी स्टार्क की नंबर 1 क्रिएशन है। तो दोस्तों आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, आपके हिसाब से टोनी स्टार्क की नंबर 1 क्रिएशन कौन हो सकती है, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और ऐसी यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।